झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 1932 का खतियानी का नियम मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया है। अब सरकार इसे झारखंड विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करेगी। हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले 1932 के खतियानी को लागू करने का वादा दिया था। अब कैबिनेट की बैठक में इसे पास कर मुख्यमंत्री ने अपने वादों पर अमल कर दिया है। वही सरकार के इस फैसले का लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। और आज एक ऐतिहासिक कैबिनेट के रूप में पुनः दोबारा इस कैबिनेट को लोगों ने सराहा है। आज लोगों की उत्साह जो थोड़े समय में आज क्या क्या सरकार निर्णय लेगी, किस पर मुहर लगेगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन क्षण भर में इतने सारे लोगों का एकत्रित होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की सांसों की भी आहट इस राज्य के हर कोने तक पहुंच रही है। बहुत सारे संवर्ग को भी जिनके कुछ चीजें बाकी है, चाहे MPW हो, चाहे और भी कर्मी है, उन सब लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, अब ये चिंता मत कीजिए, ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आप लोगों के काम की जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दी है और आप सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोगों के लिए ये सरकार न्याय करेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फैसले से अपना सामाजिक आधार मजबूत कर लिया है। एक तरफ उन्होंने आदिवासी समाज की पुरानी मांग को मंजूर कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओबीसी समाज का भी दिल जीत लिया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड के राज्य बनने के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला है और इस फैसले से झारखंड की राजनीति की दशा दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। पंजाब के सिटी टीवी के लिए रांची से सुजीत की रिपोर्ट।